Employability skills unit 1, communication skills, और इसमें हमारा session 3, अब आज discussion करेंगे session 3, effective communication principles and barriers, ये हमारे इस session का नाम है, हमने इससे पहले communication skill और feedback communication, ये दोनों session हमने cover किए, और इस session में हम cover करेंगे, effective communication principles and barriers. So introduction part में आते हैं कि principle of effective communication, क्या principles हैं effective communication के, क्या-क्या उसमें important बातें हैं, तो कुछ हैं points में, वो points आपको बोल रहा हूँ, आपको लिख सकते हैं, 7 point हैं और हम 7 points के ऊपर discussion करने वाले हैं. पहला point है clarity, 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 clarity का क्या मतलब हुआ, ऐसा communication, ऐसा content जो easily किसी को समझ में आ सके, उसे हम clarity कहते हैं. सेकंड है अटेंशन. सो जब एक कन्वर्सेशन चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, तो अटेंशन होना बहुत जरूरी है, यानी आपका ध्यान मेरी तरफ, जो टीचर पढ़ा रहा है आपको उसकी तरफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है. थर्ड है आपका कंसिस्टेंसी, यानी एक प्री प्लान्ड हो, चीजों के बारे में हमें पहले से पता हो. द प्रिंसिपल्स एम्प्लॉयज विद कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी कंसिस्टेंट विद द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैसेज बीइंग कन्वेड, यानी पहले से हमें डिसाइडेड हो कि हमें क्या पढ़ाना है और आपको क्या पढ़ना है. इट मींस आप प्रिपेयर होकर आए हैं पढ़ने के लिए और मैं प्रिपेयर होकर आया हूं आपको कुछ ना कुछ कंटेंट बताने के लिए. नेक्स्ट है आपका एडिकेसी, ए डी ई क्यू यू ए सी वाई, एडिकेसी. अब एडिकेसी का क्या मतलब हुआ, द इंफॉर्मेशन बीइंग कम्युनिकेटेड शुड बी एडिकेट एंड कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट. एडिकेट कहते हैं बात कहने के तरीके को, एक प्रॉपर वे में, फॉर्मल वे में, और दूसरा कंप्लीट क्या, यानी किसी भी कंटेंट को हम प्रॉपर वे में एक फुल्ली रेस्पेक्ट के साथ में कंटेंट को आपको डिलीवर कर रहे हैं, ये कहलाएगा एडिकेसी. और कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये भी एडिकेसी का पार्ट है. नेक्स्ट है आपका टाइमलीनेस. अब हमें पता है कि हमारा पीरियड 35 मिनट्स का है, तो 35 मिनट्स में हम कितना कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, तो इसमें हमें डिसाइडेड करना है कि कितने टाइम में इतना मैसेज कन्वे हो जाना चाहिए. जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम टाइमिंग सेट करते हैं कि भाई इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट हमें इतने टाइम में पूरा करके देना है, तो उतने टाइम में मेरी स्पीच ऑफ डिलीवरी, मेरा कंटेंट आपकी समझ में आना चाहिए, ऐसा एक प्लान होना चाहिए. ये जरूरी नहीं है, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट टाइमलीनेस ये कॉन्वर्सेशन का एक प्रिंसिपल है, नियम है. नेक्स्ट आता है फीडबैक. अब जो आपको कॉन्टेंट पढ़ाया जा रहा है, जो आपको कुछ बताया जा रहा है, आप हमेशा इसको पढ़ाने से, मैं इसलिए एग्जांपल आपको दे रहा हूं क्योंकि अभी हम पढ़ने की एज में, कई बार ये लेक्चर की जाएगी तो फिर हम उस समय डिस्कशन कुछ और होगा, उस समय एग्जांपल कुछ और हो सकते हैं. तो फीडबैक यानी टाइमलीनेस में हमने आपको कंटेंट डिलीवर किया और आपने टाइमलीनेस पर ही उसका फीडबैक भी देना शुरू किया. इकोनॉमी, द कम्युनिकेशन शुड टेक प्लेस इन अ वे दैट कॉस्ट ऑप्टिमली इफ There are other ways of communication that can convey message with a less cost, then those methods should be preferred. हमें principles है conversation का, communication का, कि हमें ये सोचना है कि किस तरीके से हम cost को कम कर सकते हैं एक conversation के लिए. For example, अगर यही communication आपको written में कहा जाए कि आप बार बार बेटे लिखते रहो तो बहुत time लगेगा, costly क्या है कि paper cost जा रहा है, ज्यादा यही तो cost है, ये cost cost भी नहीं है लेकिन costly भी है. इससे भी अच्छा कोई मेथड हो सकता है क्या? तो इससे अच्छा मेथड हो सकता है कि ओरल कम्युनिकेशन, जो अभी हमारा आपका चल रहा है. तो कहने का मतलब है इकोनॉमी का ध्यान रखते हुए कॉन्वर्सेशन का प्रिंसिपल रखना, यानी प्रिंसिपल के ये 7 फैक्टर हैं. अगर हम इन 7 फैक्टर्स को, इन 7 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है, हमारे कम्युनिकेशन का एक स्टैंडर्ड हो सकता है, एक लेवल हो सकता है. आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें आपने देखा होगा प्रोफेशनल स्पीकर्स बोलते हैं, तो वो आप देखना था अभी भी जो ये 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो इन 7 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं हमेशा. उनके कम्युनिकेशन का टाइमलीनेस कवर भी होता है, रिप्लाई भी आता है, फीडबैक भी पूरा मिलता है और इकोनॉमी का भी वो ध्यान रखते हैं, यानी कितने लेस कॉस्ट में कितना अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है. सो दीज आर द प्रिंसिपल्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. 7 सी के बारे में बात हो रही है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को लेकर, एक अच्छा कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है और उसके 7 सीज क्या है. पहला सी, द फर्स्ट सी कॉल्ड कंट्रोल, द फर्स्ट सी कंट्रोल. यू शुड हैव कंट्रोल योर सेल्फ, यानी सबसे पहले हमें कंट्रोल किस पर करना है,
स्पीकर को अपने ऊपर करना है, ऑडियंस को अपने ऊपर करना है, और जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को भी कंट्रोलिंग में रखना है। जैसे अभी ये क्लास कंट्रोल बैठी हुई है तो ये भी इसका एक पार्ट है कंट्रोल। सेकेंड है कॉन्वर्सेशनल। अब अगर हमारी बात हो रही है तो हम फन वाला पार्ट भी जोड़ते हैं, लेकिन फन के साथ एजुकेशन वाले पार्ट को भी इसमें जोड़कर रखते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉन्वर्सेशनल, यानी हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे, हम सीधे कॉन्वर्सेशन टू द पॉइंट बातें कर रहे हैं। जैसे अगर हमारा कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा है, कोई आप बार्गेन करते हैं दुकान से, कोई सामान खरीदने के लिए आप जाते हैं, तो आप देखते हैं कि दुकानदार कितना भी बिजी हो लेकिन आप अपने नेगोशिएशन में कभी भी टाइम नहीं छोड़ते। तो आप नेगोशिएशन में कभी भी टाइम नहीं छोड़ते, यानी आपको अपने काम से मतलब है, यानी हमें अपने कॉन्वर्सेशन को ओके रखना है। आप कभी भी दुकानदार से बात करोगे गुस्सा हो जाओ, उससे बात करते हो नहीं, अरे भैया नहीं इतने की मिल जाती है, देगा ठीक है नहीं देगा ठीक है, मैं अगली दुकान पे जाके ट्राई कर लेता हूँ, है ना, ऐसे तो कुछ होगा। ओके, तो नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट, यानी कि जब कॉन्वर्सेशन चल रहा है तो देन यू शुड बी कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट, केयरफुली ऑब्जर्व द लिसनिंग पार्टीज रिस्पॉन्स एंड एडजस्ट योर यूज ऑफ लैंग्वेज नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ योर अप्रोच। आप कॉम्पिटेंसी क्या है, आपको कोई कॉन्वर्सेशन में आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे पता चल जाएगा आपका रिस्पॉन्स देखकर, आपके फेसेस का रिस्पॉन्स देखकर कि आपको कितना ज्यादा अटेंटिवली अटेंड कर रहे हो। हो सकता है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते अपना कुछ बे चेंज कर दूं, या कोई भी कम्युनिकेटर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करेगा, तब जब वो देख लेगा, यानी कि इतना ज्यादा कॉम्पिटेंट भी होना पड़ेगा कि ऑडियंस के साथ में उसका रिलेशन प्रॉपर चलता रहे, कनेक्टिविटी प्रॉपर बनी रहे, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंट। नेक्स्ट वन काम, शांत होकर के मन में उथल पुथल नहीं चाहिए। जब आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो कई बार एजिटेशन होता है ना, ओवर इमोशनल हो जाते हैं, कभी किसी की किसी से लड़ाई हो जाए और बाद में फिर आराम से तसल्ली से उन्हें बिठा के बात करने के लिए कहा जाए, तो फिर वो इमोशंस में आगे रो भी देते हैं, इमोशंस में आगे गुस्सा भी हो जाते हैं, तो ये फैक्टर नहीं है। सेवन सीज कहती है काम, बिल्कुल मन एकदम शांत होना चाहिए। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तब आप बिल्कुल शांत मन से बातें करें, यानी इट मींस यू हैव टू पेशेंस। कई बार क्लास में डिस्टरबेंस भी हो रहा है तब भी पेशेंस रखना जितना हम रख सकते हैं, क्योंकि दो बच्चों की डिस्टरबेंस से पूरी क्लास डिस्टर्ब होने वाली है। क्लियर, बी क्लियर इन योर मैसेज, आप जो कह रहे हैं जो समझा रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, उसमें इधर उधर की बातें अगर आप जोड़ोगे। कई बार ऐसा होता है कई बच्चे कुछ क्वेश्चन के आंसर, मान लीजिए दो लाइन का आंसर है, दो लाइन के लिए वो पांच लाइनें लिखेंगे, लेकिन वो दो लाइन जो मेन लाइन है वो लिखेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा, मार्क्स नहीं मिलते। कारण क्या है, क्लियर नहीं है अपने मैसेज को लेकर के, दैट इज व्हाई बी क्लियर। कंसाइज, कंसाइज है स्पेसिफिक, जितनी बात बतानी है उतने लिमिटेड टाइम में उसको कवर कर लेना, स्पेसिफिक होना, यानी आपको एक बात को लगता है कि ये टॉपिक दो मिनट में समझ में आ जाएगा, तो यू हैव टू कंप्लीट इट इन टू मिनट्स। आपको लगता है कि नहीं इसको समझाने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए, तो फिर थोड़ा टाइम भी बढ़ा सकते हैं, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हम कंसाइज करके बताएं, जितना हम थोड़ा सा, जिसे कहते हैं हिंदी में हम कहते हैं गागर में सागर, लिमिटेड वर्ड्स में बहुत कुछ समझा देना, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा मैसेज क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, यानी समरी टाइप में होना चाहिए। आपने समरी बताई, चैप्टर समझ में आ जाएगा। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, बैरियर्स के लिए कहते हैं तो बताएगा मुझे, बैरियर रनिंग करते हैं तो रनिंग करते कुछ रास्ते में कुछ आ जाए तो क्या है वो बैरियर। अब बैरियर देखते हैं, सेवन बैरियर्स हैं। नंबर एक, लिंगुअल फैक्टर। अब लिंगुअल फैक्टर क्या है, लैंग्वेज का फैक्टर, क्लियर है सबको, लैंग्वेज कैन बी बैरियर, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ या इंग्लिश में समझा रहा हूँ, और अगर आप कहीं और किसी और कंट्री के रहने वाले हैं और आपको मेरी भाषा समझ में नहीं आएगी, तो ये एक लिंगुअल बैरियर हो गया कम्युनिकेशन का। सेकेंड है एनवायरमेंटल फैक्टर, फिजिकल डिस्ट्रक्शन हो सकता है, मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ या नहीं हूँ, या हम किसी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू जुड़े हुए हैं, या सराउंडिंग हमारी ऐसी है कि वहां पे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे। यही क्लास अगर चलते हुए रोड पे करने लगे तो क्या पॉसिबल है, पॉसिबल तो है, लेकिन कम्युनिकेशन का बैरियर हो जाएगा, बिकॉज एक एनवायरमेंट नहीं मिला हमें, सराउंडिंग एनवायरमेंट भी जरूरी है। द नेक्स्ट है पास्ट एक्सपीरियंसेस, साइकोलॉजिकल भी एक फर्क पड़ता है कभी बार किसी कॉन्सेप्ट पे। अगर आपको कहीं किसी से कोई परेशानी है, आप परेशान है, तो कोई कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, तो आप समझा पाएंगे क्या उतना अच्छे से, आपके माइंड में कहीं ना कहीं डिस्कशन चलता रहेगा, इट मींस पास्ट एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं इशू क्रिएट करेगा। आवर एक्सपीरियंस समटाइम्स इनहिबिट्स टू यूज अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिकेशन क्लियरली,
और कई बार ऐसा भी होता है कि हमने समझा कुछ गलत होता है पहले से, फिर हम गलत एलिब्रेट कर रहे होते हैं, गलत ही समझा रहे होते हैं, तो पास्ट एक्सपीरियंस भी कम्युनिकेशन में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। कल्चरल इन्फ्लुएंस, कल्चरल इन्फ्लुएंस हो सकता है, समटाइम्स आवर कल्चरल डिफरेंसेस हिंडर फ्रॉम द कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली। फॉर इंस्टेंस इन नॉर्थ अमेरिका इट्स ओके टू टच चिल्ड्रन ऑन देयर हेड्स, व्हाइल इन एशिया इट इज कंसिडर्ड हाईली इनएप्रोप्रिएट एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल। नेक्स्ट है आपका Having a perceptions can very well ruin chance to proper communication. कई बार हम पहले से ही किसी आंसर को सोच के रखते हैं ये इसका आंसर होगा, और सामने वाला जब उस आंसर को सही हमें बताता है तो हम उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते, फिर हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल करके दिखाने पड़ते हैं, तब भी हमें कहीं ना कहीं 1-2% डाउट रहता है, हो सकता है अभी भी गलत हो। नेक्स्ट है आपका फीलिंग्स और पर्सनल फैक्टर। तो ये हमारे 7 फैक्टर हैं जो बैरियर है कम्युनिकेशन के अंदर। आगे आते हैं मीजर्स टू ओवरकम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरीके से हम इन बैरियर्स से ओवरकम कर सकते हैं। अगर हमारी बात हो रही है लिंगुअल फैक्टर, तो लिंगुअल फैक्टर को कैसे दूर किया जा सकता है, या तो हम भी उस लैंग्वेज को सीख लें, या हमारे पास एक ऐसा ट्रांसलेटर व्यक्ति होना चाहिए जो हमारी बात को दूसरे तक पहुंचा सके। ऐसा होता है विदेशों में, हमारे यहाँ से कई मंत्री स्पीच देते हैं लेकिन उन्हें नहीं समझ में आती हमारी लैंग्वेज, तो वहां पे ट्रांसलेटर लगे हुए होते हैं, वो ट्रांसलेटर वाले सिस्टम होते हैं, वो जो बोल रहे होते हैं वो उसको कन्वर्ट करके बता रहे होते हैं, दैट इज फॉर ट्रांसलेटर। ओवरकमिंग एनवायरमेंटल फैक्टर, फिजिकल डिस्ट्रक्शंस। अब अगर एनवायरमेंटल फैक्टर है, क्लास बाहर चल रही है तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमें क्लास एक ऐसे एरिया में लेनी है जहाँ शांति हो, जहाँ वॉइस प्रॉपर क्लियर हो, जहाँ आपके बैठने का तरीका अच्छा हो, आपको अरेंजमेंट प्रॉपर मिले, तो दिस इज कॉल्ड, इस बैरियर को इस तरीके से दूर किया जा सकता है। तीसरा बैरियर है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, तो दीज बैरियर्स कैन बी ओवरकम कीपिंग इन माइंड एंड साइकोलॉजिकल ऑफ द रिसीवर्स। ये कैसे ठीक किया जा सकता है, पहले हमें अपने आप को शांत करना पड़ेगा, हमें कोई भी जैसे कई बार कहते हैं गुस्सा आगे क्या करो, एक ग्लास पानी पी लो, 10 तक काउंटिंग कर लो, या बहुत अच्छा है कि वो रूम छोड़ के चले जाओ थोड़ी देर के लिए, कोई रिलैक्स सा म्यूजिक सुन लो जो आपको बहुत अच्छा म्यूजिक पसंद है, तो ऐसा कुछ करके आपको अपने आप को पहले रिलैक्स करना पड़ेगा, पास्ट एक्सपीरियंस को अपने आप को ओके करना पड़ेगा। ओवरकमिंग कल्चरल इन्फ्लुएंस, तो कल्चरल इन्फ्लुएंस से समझने के लिए आपको खुद अटेंटिव होना पड़ेगा। मुझे पता है कि यहाँ पे कैसी ऑडियंस बैठी है, उनके साथ में किस तरीके का बिहेव करना है, कौन बच्चा किस तरीके से समझने वाला है, तो उसके हिसाब से खुद को चेंज करना पड़ेगा स्पीकर को, तो दैट इज कॉल्ड, ये कल्चरल से बैरियर निकलने का तरीका है। ओवरकमिंग, अब अगर पहले से किसी के माइंड में कोई चीजें हैं तो फिर आपको उनसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, आपको उसे समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस करोगे तो फिर उनके दिमाग में भी क्वेश्चंस आएंगे कि मुझे इसका आंसर कैसे देना है, तो वहां पर जाकर के हम पहले की जो उसके माइंड में सेट है कोई आंसर उसको हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर आपको फीलिंग और पर्सनल फैक्टर से ऊपर निकलना है, तो इफ फीलिंग्स आर ओवरवेलमिंग देन कम्युनिकेशन माइट नॉट बी पॉसिबल। अगर हमारी भावनाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम किसी बात को लेकर बड़े परेशान है, तो हम प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, सो द कम्युनिकेटर शुड पेशेंसली गिव टाइम टू रिसीव टू काम डाउन, उसे वेट करना पड़ेगा जब तक वो खुद को अपने आप को शांत ना कर ले। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हम रोने लगते हैं, हम क्या मतलब मैं भी हूं उसमें इंक्लूडेड, कई बार हमारे घर में ऐसी कुछ कंडीशंस हो जाती हैं, हम रोने लगते हैं और सुबह सुबह के रोने लगते हैं, मतलब ऐसा लगता है हम अच्छा फिर हम शांत भी हो जाएंगे, लेकिन जैसे कोई हमसे कोई बात करना शुरू करेगा पता नहीं एकदम फिर रोना शुरू कर देंगे। ये क्या है, फीलिंग्स है जो रुक नहीं रही है, कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं रुक पा रही है, अंदर से निकल निकल के आ रहे हैं आंसू, या हम हंसे आ रहे हैं किसी बात को लेके, स्माइल कर रहे हैं, कुछ भी काम हो रहा है, कोई बहुत अच्छी चीज हो यार घर पे, तो वो सब माइंड में चल रही है, तो ये सब कम्युनिकेशन का बैरियर है। लेकिन इसको ओवरकम करने का क्या तरीका है, रिलैक्स, बहुत देर शांत रहना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मुझे अब आगे करना है, अपने आपको इंटरनली यानी कि इंटरनली अपने आपको स्ट्रांग करना। तो ये हमारा सेशन नहीं है, why effective communication is important, कोई बताएगा effective communication क्यों जरूरी है, communication क्यों जरूरी है, the question is communication, why communication, अपनी बात किसी को सही तरीके से पहुंचाना communication है, और एक effective communication क्यों जरूरी है, yes, हाँ, बताओ बेटे, ताकि हम अपनी बातों को अच्छे से पहुंचा पाए, अच्छे से पहुंचा पाए, ताकि हम audience के साथ interact कर पाए, yes, why effective communication is important, so effective communication is very important skill, in fact effective communication is essential for success, success paana hai agar communication mein to fir effective
इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा। किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को आप देखो वो बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं, ऑडियंस को बांध के रखते हैं अपने पास में, ऐसे चिपका लेते हैं ऑडियंस ध्यान ना दे कहीं और, है ना। कपिल शर्मा का जो फ्यूचर का होता है कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा, तो आप देखो आपका मन करता है कि जरूर देखो क्या, आप सोचोगे क्या एक्शन होने वाला है, क्या कॉमेडी सीन करने वाला है वो, तो फिर आप पहले से उसमें वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट है, ये सब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट। सेशन 3 ओवर होता है, सेशन 4 भी ओवर पड़ते हैं, बेसिक राइटिंग स्किल्स 1। अब ये थोड़ा सा ग्रामेटिकल क्वेश्चन आने वाला है, यानी अभी तक जो हमने शुरू किया 3 सेशन पढ़े वो सब थे कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या है, कितने तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं और कम्युनिकेशन से किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम सेशन 4 की ओर आएंगे, बेसिक राइटिंग स्किल्स, इसको हम अगले सेशन की वीडियोस में कवर करेंगे।